हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी में आपको मैं मैक्रोनी बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। आपके घर में जो भी सामान है, आप सिंपल तरीके से ये मैक्रोनी घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम पानी गर्म करने के बाद उसमें मैक्रोनी जो है वो हम डाल देंगे और उसे हल्का सा बॉयल होने देंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच ऑयल भी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जो मैक्रोनी है वो एक साथ चिपके नहीं, और इसे कुछ टाइम के लिए हम चलाकर छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको एक जालीदार बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मैक्रोनी को अच्छी तरह से ठंडे होने के लिए जालीदार बर्तन में रख दिया है। अब हम इसके बाद मसाले को तैयार करेंगे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल को ऐड करेंगे, जिसे हमने पहले से कटोरी में रखा हुआ था। अब हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बना के रखा है, उसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने जो लहसुन, अदरक और मिर्च डाली है वो अच्छी तरह से हो रही है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्याज को भी ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन कलर में हो गया है। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर रखा हुआ था, उसे भी हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से एक साथ पकने देंगे कि हमारे मसाले जो हैं एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले हमारे यहाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी मलाई को भी ऐड कर देंगे। और उसे भी अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के बाद हमारी मलाई और मसाले अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच चिली सॉस को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने पास्ता मसाला लिया हुआ है, उसे भी हम ऐड कर देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मैक्रोनी को ऐड कर देंगे। सारी मैक्रोनी को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैक्रोनी हमारी यहाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारी मैक्रोनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया मैक्रोनी लग रही है।
आप अपने घर पर ये सिंपल सा नाश्ता ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।